सब सबाई हो कि आप सब अच्छे होंगे और गाइस मैं भी एकदम अच्छा हूं। सो गाइस यार आज हम लोग जाने वाले हैं अंबिकापुर, एंड अंबिकापुर में आज हम लोग सबसे पहले जाएंगे तकिया मजार शरीफ, जो अंबिकापुर का सबसे फेमस मजार शरीफ है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मेन पार्ट, और मेन पार्ट को अंबिकापुर का शिमला भी कहा जाता है। सो हम लोग चलते हैं एंड आगे की बातें कुछ रास्ते में करेंगे। कस्तों मजा है ले ले माँ रमैलो काली। तो भाई यार यहाँ पे टंकी फुल करवाते हुए और फुल होने वाली है। बस 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 बस। तो भाई यार यहाँ पे फुल करवा लिए हैं, अब चलते हैं, निकलते हैं और इधर ही मिलते हैं आपसे। चलो गाइस चलते हैं। चल 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 चल। कस्तों मजा है ले ले माँ रमैलो काली ओडाली। कस्तों मजा है ले ले माँ रमैलो काली ओडाली। अजुनू साजीने में अजुनू ससीने में। ओके सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनराज डैम, बट हम लोग को अनराज डैम नहीं जाना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। और ये रही हमारी बाइक और इसका हम लोग अभी टंकी फुल करा दिया है, और इधर दानिश का भी फोटो वगैरह क्लिक हो रहा है, और मैं भी एक आध दो फोटो क्लिक करूंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे अपने डेस्टिनेशन पे, लोकेशन पे। सो चलो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। ओके सो गाइस अभी हम लोग बीच जंगल में रुके हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ का सीन काफी अच्छा है, और इधर अपना फोटो शूट चल रहा है अभी, और इस काफी अच्छा लोकेशन है भाई, और मतलब थोड़ा डेंजर भी है। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है। ओके सर फाइनली हम लोग तकिया मजार पहुंच चुके हैं, हमारे साथ दानिश भाई पहुंच चुके हैं, हम लोग साथ में आए हैं हम लोग, और थोड़ा फिरने वगैरह लेते हैं उसके बाद फाटिया करेंगे और फिर मजार के अंदर चलेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो पूरा बने रहेगा, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। तो गाइस यार ले लिए हैं सर सामान फाटिया वगैरह कराने के लिए, सो अभी चलते हैं अंदर, अंदर का थोड़ा सीन दिखाते हैं। सो गाइस यार यह मजार शरीफ का गेट है, और मजार की बात की जाए तो हजरत बाबा मुराद सावली और हजरत बाबा मुहब्बत सावली दोनों भाई थे। सो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को अंदर से मजार शरीफ का नज़ारा दिखलाते हैं। और इस मजार की यह भी खासियत है कि यह लगभग 300 साल पहले यहाँ जब बाबा आए थे तो उनके साथ एक तोता भी था, और बाबा ने एक वसीयत भी की थी कि जब हमारी मुलाकात हो और उसके बाद अगर तोते की हो तो
हम लोगों के पास में ही तोते को रखा जाए और इसलिए यहाँ पर तोते का ही मज़ार बनाया गया है और इस मज़ार को लोग तोते का मज़ार के नाम से भी जानते हैं। और इस मज़ार की खास बात यह है कि यहाँ पर मांगी हुई मुरादें पूरी होती है और यहाँ पर उर्स का भी आयोजन होता है और बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कभी न्यू ब्लॉग के साथ।